हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल द स्वातीज किचन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू चाट, जिसके लिए हमें 4 बड़े साइज के आलू चाहिए, जिनको हमें सिर्फ 80% तक ही बॉईल करना है, ताकि आलू थोड़े से कड़क रहें। और एक कढ़ाई में हम तेल गरम होने के लिए रख देंगे और आलूओं को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। जब आलू हमारे कट जाए और हमारा तेल गरम हो जाए, उसके बाद हम इन आलू के टुकड़ों को तेल में फ्राई होने के लिए रख देंगे। हमें आलूओं को बिल्कुल क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। आलूओं को बीच बीच में चलाते रहें, ताकि आलू एक साइड से जले ना। आप देख सकते हैं हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम इन फ्राई किए हुए आलूओं को डालेंगे। अब हम आमचूर और धनिया पत्ते की चटनी लेंगे, 4 से 5 टेबलस्पून। एक मीडियम साइज का प्याज बिल्कुल बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, एक छोटे साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ, एक टेबलस्पून चाट मसाला डालेंगे। हाफ टेबल स्पून काला नमक डालेंगे। मिर्च स्वाद अनुसार डाल लें, आप जितना तीखा पसंद करते हैं। हम हल्का स्वाद अनुसार टेबल सॉल्ट भी डालेंगे। बारीक कटी हुई हरी धनिया। अब हम इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। इस मिक्सचर को अच्छे से मिला लेंगे और लास्ट में, अगर आपको पसंद हो, अगर आप खट्टा खाना चाहते हो, तो 1 से 1.5 टेबलस्पून आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो तैयार है हमारी दिल्ली सरोजनी नगर की आलू चाट। आप भी बनाइए, इंजॉय करिए। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपके कुछ सजेशंस हो, कमेंट हो, तो प्लीज़ वो भी करिए। थैंक यू, बाय बाय।